बाबा फोकस कर रहे हैं कि बच्चे सवेरे 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 उठ बाबा की याद, बाबा से मीठी मीठी बातें करो सवेरे सवेरे। वैसे बाबा से उठते ही मीठी मीठी बातें करना वो तो ठीक है, हम अमृत वेले करते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी जैसे ही उठे बाबा से बातें कर सकते हैं उठते ही। वैसे ही मीटर तो चालू हो जाता है ना हमारा, तो बाबा से बातें करना उठते ही, इसको बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे। बहुत अच्छा रहेगा अगर ये नेचर रहेगा कि 9-10 मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। अच्छा प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भक्त भगवान को कहते हैं और हम बच्चे भी कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है? हम बच्चे समझ कर कर करते हैं, कहते हैं, और वो तो एक बस भक्ति में ही चला आ रहे हैं, सर्वशक्तिवान है तो कह देते हैं। वो तो कहते हैं वो काफी पत्ता पत्ता हिलाता है, पर हमको पता है वो पत्ता पत्ता नहीं हिलाता है, और उसकी यथार्थ पहचान है हमको, वो परमात्मा को नहीं जानते, खाली एक स्टेटमेंट देते हैं। मरे हुए को जिंदा। हाँ सर्वशक्तिवान की जो डेफिनेशन उनकी है और हमारी है डिफरेंट है। एक तो है हमारा ये वाला काम नहीं करता है, मरे हुए को जिंदा। एक और बात बाबा ने कहा जो उन लोग समझते और हम लोग समझते, उनका सर्वशक्तिवान का मतलब है कुछ भी कभी भी कैसे भी कहाँ भी, और हमारा सर्वशक्तिवान का मतलब है केवल अभी आकर के ज्ञान देके नरक को स्वर्ग बना देता है, पतित को पावन बनाता लिमिट्स है, ड्रामा। ड्रामा। वह कहते हैं भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है, शिव बाबा है या ड्रामा है, ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए नहीं कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वशक्तिवान वो एक एरिया है, उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। देखो इसकी सर्वशक्तिवान का क्या रीजन है, वो एरियाज क्या है, ड्रामा में बंधायमान है ये एरिया है, सदगति दाता है और राज्य कोई छीन नहीं सकता, ये तीन एरियाज है, इसके कारण सर्वशक्तिवान है। ओम शांति किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? बाप दादा ने या फिर बच्चों ने बात वापिस कहा? दादा ने। अब
अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है। कभी कभी बाबा कहते हैं ना डबल ओम शांति, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है, कहते सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे। 84 इयर्स की ट्रेनिंग चाहिए, 2500 साल का राज्य करना है तो 84 इयर्स मतलब तब। अगर हम 2 साल है, 10 साल है, 3 साल से 3 महीने से ज्ञान में, तो कितनी ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए। विश्व पर राज्य करना है तो बाबा कहते हैं कि मैं हाँ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे। शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि ये नाटक है तो शेक्सपियर कह दिया ड्रामा है, नाटक है। लेकिन अगर समझो ये नाटक है तो क्या बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। इसका बिगिनिंग मिडिल एंड और डायरेक्टर वगैरह सब पता हो तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए ना। और फिर सब में फिर वो नाटक है तो क्या नाटक है, हम बोल रहे वो भी नाटक है, हर एक का अपना रोल है, आप सुन रहे वो भी नाटक है, सब कुछ नाटक है ना। ये ड्रामा वर्ल्ड नाटक है, हम एक्टर्स है, पर वो कॉन्शियसनेस ऑफ नाटक। तो बाबा कहते हैं नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी ये नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। यह भी कहते हम ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहां से आई। ये कोई समझते नहीं कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हुबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। रिपीट होता है उससे मन की स्थिति पर कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, कौन सी स्थिति हो सकती है। नथिंग न्यू, निश्चिंत। मतलब कई बार हम संकल्प करते हैं कि जो होना ही जो है वो तो होना ही है ना, जो इस ड्रामा में फिक्स्ड है वो तो होना ही है, हमें केवल निमित्त मात्र मतलब मेरा भाग्य बनाने के लिए मैं सेवा करूंगी, बनी है। सब अपना अपना रोल वैसा ही करेंगे जैसा फिक्स्ड है उनका। तो कितना जो कैसे कहते ना फोर्सफुल नेचर इम्पोज वो होगा ही नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। और फिर बाबा ने कहा है मतलब जो है होना ही है, जो दाल रोटी मिलनी है मिलनी है, तो
फिर बाबा ने बच्चों की गारंटी कई सारी ले ली है, कौन से में है, 18:1-96 दाल रोटी की गारंटी बाबा की है। मैं वो बहुत समय से वो मुरली ढूंढ रही थी, इस संडे को मुझे मिली कि ये दाल रोटी वाली, क्योंकि हमारे समय 96 में बाबा ने बोला था वो कि खीर पुड़ी की गारंटी नहीं करता है, दाल रोटी की गारंटी करता है। तो लॉकडाउन में सबको, हम सबको दाल रोटी मिली, खीर पुड़ी भी मिली, बहुत अच्छे अच्छे भोग खाए हम सभी ने। हर जगह मतलब बाबा ने ये कहा। तो बाबा, बाबा आप कितने मीठे हो बाबा। बस अभी तो हम चलते अपने सुखधाम में, अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी, तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। देखो कितनी चिंटू क्या बोलते डिटेलिंग बातें बाबा ने आज कही है। आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती है, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती है, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। क्या डिटेलिंग बाबा ने की कि मतलब देवी देवता है ना, माँ भी और बच्चा भी। यहाँ तो क्या है, बच्चा रोएगा फिर दूध पिलाएगी और इंडिकेशन होता है, इतना सा भी दर्द नहीं देवी देवता को, माता को समझ में आ जाता है इसको अभी दूध पिलाना है। इतनी छोटी छोटी बातें बाबा सत्युग की क्लियर करते हैं। सबने रुलाया होगा बच्चों को दूध पिलाने के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तब आप उसको दूध दीजिए, मतलब जब वो डिमांड करता है आप उसको दूध पिलाओ, तब करो ऐसे, मतलब दर्द दो थोड़ा, ये है। और बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी माताएं समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती है, रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। खुशी का जीवन है ना, बच्चा रोएगा क्यों, देवी देवता क्यों रोएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है, श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की, फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। देखो श्रेष्ठाचारी माताओं की ऐसी माताएं मिलेगी कि जो इस तरह अनेक बारी हम उस नई सृष्टि में गए हैं, कितने चोट कई इस हफ्ते में किए ना, दो हफ्ते मोर की डिटेलिंग की थी ना, याद है सभी को, नई दुनिया के कैसे होंगे, वो भी इतना सा भी दर्द नहीं होगा मोर को भी कि कोई पंख तोड़े है उसका। अब माताएं भी ऐसी होगी, तो फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं, ये खुशी की खुराक इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। श्रेष्ठाचारी माताएं वहां बांधेगी माताएं रस्सी से, श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा, वहां जरूरत नहीं होगी, वहां तो बच्चे ऐसे शैतानी ही करेंगे, चंचलता करेगा नहीं श्री कृष्ण, इस तरह की चंचलता नहीं, जो रस्सी से बांधना पड़े। मतलब माताएं कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे। बाबा कहते हैं हाँ नहीं होगा ऐसा, हार खाते हैं, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते, कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा ही नहीं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए, अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुखधाम जाएंगे। बाप कहते तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है, यह तो बड़ा वंडर है।
इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। ये हूबहू हमारा यादगार है। बाबा, मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। कौन सा यादगार है ये? रिंकू बेन, कौन सा बताया बाबा ने? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर ये हूबहू हमारा यादगार है। झाड़ में कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया, कितना वंडर है। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता ही नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य कितना तमोप्रधान बन जाते हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दे। अब तुम बच्चों को भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर देखो क्या मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर गुलाब भाई क्या मंथन करना है? सवेरे सवेरे उठकर बाबा कितना वंडरफुल नॉलेज हमको देते हैं। हाँ, और आज ये भी बोला मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दे। सवेरे उठते ही सेवा की ख्याल आते कि कैसे परिचय दे आज के दिन। आज सोचो भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वैसे कितने सारे सवेरे सवेरे के हमें डायलॉग्स दे दिए। पहला क्या कहा था, उठते ही संकल्प करो मैं फरिश्ता हूं, फिर उठते ही परमधाम से अवतरित हुई ये सोचो, फिर उठते ही सवेरे सवेरे सोचो कि कैसे बाबा का परिचय दे। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, ज्ञान तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते, इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदम पति कहते हैं। हमारी सॉल्वेंसी कैसी है? इनसॉल्वेंट नहीं बनेंगे कभी। देवताएं बहुत धनवान पदम पति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सत्युग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना, यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्राय लोप होता नहीं है, एक ही खंड रहता है। आधा कल्प एक ही खंड, एक्सक्लूसिवली भारत आधा कल्प। फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबर वार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है बोलो, कितनी ज्योग्राफिकल नॉलेज भी कितनी बाबा देते बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं, वह हठयोगी है। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। उतनी त्याग तपस्या जो जो प्योरिटी विशेष है, पवित्रता से भारत थमता है। मतलब नहीं तो जल थमने का मतलब क्या है कि फिर तो जल जल जाए, जलमय हो जाए सृष्टि, या जलकर अग्नि से जल जाए जो भी नेचुरल कैलामिटीज होनी है।
तो बाबा कहते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाए, मकान को पोंछी आदि लगाई जाती है तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है, वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, याद दिला रहे बाबा। तो बच्चे कल की बात है, यस्टरडे एंड टुमारो, कल की बात है। फिर बाद में अब जैसे 2-6 महीने बीत गए, क्या लगता है, बस 6 months कल की बात लगती है ना, कि करते करते टिक टिक करते करते कैसे, तो ऐसे ही 5,000 साल बीते। अब वह भी तमोप्रधान बन गए हैं, अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारा राज्य था। फिर बाद में अन्य धर्म आए, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम वाला किया, तो वह भी तमोप्रधान बन गए हैं। ये सब बातें नए को सुनानी नहीं है, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप का नाम रूप देश काल जानते हो, पूरा इंट्रोडक्शन दो, विजिटिंग कार्ड बाबा का। उचते उच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना, अभी तुम जानते हो वो बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, हमको ये डायरेक्शंस डायरेक्ट भगवान दे रहे, लिखत में है, वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है ना आजकल हर चीज का, एविडेंस, लिखत में भगवान के महावाक्य है, देख लो आप। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनकी, सुन लो आप, कोई चीज छिपी हुई नहीं है यहाँ। तो बाबा कहते हैं, तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया तो जरूर स्थापन होनी है। देखो लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग होने से क्या फायदा होगा, बस हम लोग एक जन कोई सफाई कर लेगा तो क्या फायदा होगा, या पूरी दुनिया तो ऐसी नहीं है। चलो सफाई के लिए तो अभियान हुआ, प्रधानमंत्री का कॉल हुआ तो चेंजेस आ गए, पर सोचते हैं कि पवित्रता में क्या फायदा होगा, हम लोग इतने से लोगों में। बाबा ने क्या कहा, तुम थोड़े लोग, तुम मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। उसका इम्पैक्ट देखो, कि हम आत्माएं की प्योरिटी एक प्योर दुनिया लाएगी। विनोद भाई क्या बोला बाबा ने, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो हो चुके हैं लेकिन नहीं आवाज है। पवित्रता से फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं है, नई दुनिया बना रहे हैं, पवित्र दुनिया हमारे लिए, तुम्हारी प्योरिटी, तुम सिर्फ पवित्र बनो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, क्या फायदा होगा। और क्या चाहते हैं आजकल हम, क्या चाहते हैं कि मेरे कॉलोनी से वायरस निकल जाए या सिस्टम से वायरस निकल जाए, मतलब वर्ल्ड की खुशी चाहते हैं ना हम, वर्ल्ड में अच्छाई चाहते हैं कि खाली मेरी कॉलोनी में अच्छाई हो। तो ये बेनिफिट क्लियर है, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि तुम पवित्र बनोगे तो तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया बन जाएगी, फिर रावण राज्य होगा। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत अच्छा, बहुत मीठा लगता है, इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है, भारत का प्राचीन राजयोग माना, भारत का प्राचीन राजयोग माना, बहुत अच्छा डेफिनेशन बाबा ने किया, एंशियंट योगा,
माना याद, सिंपल है, रिमेम्बरेंस। तो फिर ये सब एंशिएंट योगा में क्या है, कौन से शीर्षासन, हलासन, पद्मासन, ये सब क्यों आया फिर? वो तो हठ योग है, वो एक अलग है, उसको राजयोग नहीं कहते हैं, वो तो शरीर का हो गया एक्चुअली, क्योंकि वो भी एंशिएंट में आता है। जितना याद, मतलब बाबा के सारे ये याद है या जो भी ज्ञान में चलेंगे, ऑटोमेटिक शरीर संयमित हो जाता है। तो अब उनको कैसे करे वो, हाँ, तो उन्होंने फिर उसको फिर शरीर के ऊपर दिया कि संयमित जीवन इसके लिए, हाँ, इसका तो एक्चुअल माना याद है, एंशिएंट योगा माना याद। याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है, दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए हम लोग जब ये योगा डे में बुलाते हैं तो हम यही कहते हैं कि कोई शरीर को, किसी का योगा शरीर बहुत अच्छा है, शीर्षासन कर सकते हैं, बहुत सारे आसन कर सकते हैं, और मन में फिक्स्ड नेचर है, जिद्दी है, तो क्या हो जाएगा फिर? ऐसे शरीर को हिला सकते इधर उधर, ये वो वैसे, और जिद्दी बहुत है, वहम बहुत है, क्रोध बहुत है, एक्सपेक्टेशन है, कोई थोड़ा सा ठीक से नहीं किया क्रोध आता है, तो फिर वो योगा का बेनिफिट होगा मीनू बहन? नहीं होगा, बीमारी फिर भी होगी। तो ये था एंशिएंट योगा, भारत का प्राचीन योग। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम ये लिख सकते हो, याद से विक्रम विनाश होंगे, दैवी गुण धारण करने, हाँ इतना जरूर है माया के तूफान आएंगे, सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है, भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे, बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम ये शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे, बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं, पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है, अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो। ऑलराउंड पार्ट बजाया, आज सोल कॉन्शियसनेस डे है ना, आज का आत्मअभिमानी दिवस भट्टी का सेकेंड डे में, तो अब ये वाले पॉइंट्स अच्छे हैं कि देखो मैंने कितना ऑलराउंड पार्ट बजाया, 2500 साल वहां बैठे वो रोल्स प्ले किया, बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ये बेहद का संन्यास है ना। अब बाबा कहते हैं छीछी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ, यह बेहद का संन्यास। वहां भी तुम बूढ़े तो होंगे, वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा, बूढ़े होंगे तब क्या हो जाएगा कि हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है, बचपन तो सबसे अच्छा है, दिखाई देगा जब जाना होता है, क्लियर है ना, देवता है ना, तो जहां जाना है वो भी क्लियर होता है, जहां आना होता है उनको भी क्लियर होता है, बचपन तो सबसे अच्छा है। तो ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको खुशी होगी, खुशी में ऐसे विचार सागर मंथन करो, किसको प्रॉब्लम है ना कि भाई सुस्ती आती है, व्यर्थ संकल्प आता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बातें करो कि हाँ हम जाएंगे, क्या क्या बातें करनी है, शुरू के बताया परिचय कैसे देना है, ये सवेरे उठ कर बोलो। अब दूसरा अभी बताया कि वहां बूढ़े होंगे तो देखो ऐसा होगा, वैसे वो संकल्प करो, पॉइंट्स निकलेगी। तो खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है,
फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे इसमें कोई शक नहीं है। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। सुस्त बाबा कहते हैं जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो, नींद ना आए तो भी और नींद आए आने के लिए भी, दोनों के लिए याद है। आठ एक बार बाप दादा ऑस्ट्रेलिया का, 8 साल का बच्चा था, बाप दादा आए हुए थे, बीच में पूछ लिया 8 साल का, बाबा मुझे नींद नहीं आती है। 8 years old child मुरली के बीच में। तो बाबा ने कहा जब नींद नहीं आती ना तो बाबा को याद करो तो नींद आ जाएगी। पूरी सभा हंसने लगी कि नींद के लिए भी याद चाहिए और नींद उड़ाने के लिए भी याद चाहिए। क्या बोलेंगे इसको, ऐसी दवाई है ना, बीपी कम भी करता है बीपी हाई भी कर देता है, दोनों है। कम भी नींद हो जाएगी ज्यादा भी हो जाएगी नींद। तो सुस्त लोग नींद करते, तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। नींद, ये नींद नहीं आने के लिए याद है। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज न हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं, न शरीर खिटपिट हो न मन खिटपिट हो, ऐसा भोजन न हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाकी द्वारी बच्चों को नमस्ते। हम द्वारी दो पेज की मुरली थी आज, बहुत छोटी। धारणा के लिए सार है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा है सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म
या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। तो ये बाबा ने आज बहुत सिंपल लेकिन अच्छा वरदान दिया। स्वस्थिति में सदा स्थित रहने वाली आत्मा हो, स्वस्थिति। तो उसमें बाबा ने देह के धर्म को भी पर धर्म है, स्व का धर्म, आत्मा का धर्म। तो आत्मा स्वस्थिति अर्थात आत्मा के धर्म है, जो हम हमेशा कहते हैं सात धर्म, सात गुण, ये आत्मा के धर्म है। धर्म अर्थात जैसे हम कहते हैं ना रिलीजन, ये उसका बर्थ राइट होता है, मतलब वो इंटीग्रेटेड होता है पर्सनालिटी में। तो इसलिए बाबा ने ये कहा देह भी पर धर्म है क्योंकि प्रकृति आ गई। तो स्वस्थिति में सदा स्थित रहना है। तो सिंपल है। तो देह के धर्म, तो देह के धर्म हो गए हैं कौन कौन से? देह के धर्म है कौन से? आत्मा, आत्मा के धर्म तो पता है, देह के धर्म है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो भी कनेक्टेड है ये सब देह के धर्म है। मतलब वही जो भी दर्द देने वाले हैं वो सब देह के धर्म है। तो ये कि ये मेरा नहीं है, ये देह का है, मेरा धर्म नहीं है। जैसे वो हिंदू है, अब मुस्लिम्स का थोड़ा सा भी कुछ हो जाए बोला हमारे यहाँ हमारे रिलीजन में ऐसे नहीं चलता है, तो हम एग्री करते जाते हैं ना, चाहे माने ना माने, क्योंकि वो रिलीजन बताता है। तो वो उनका रिलीजन है, उनके रिलीजन के मुआफिक हम जुम्मा जुम्मा याद करते हैं क्या? जो हम रोल प्ले कर रहे हैं वो भी तो देह के धर्म में ही आएगा ना। हाँ, मतलब उसमें अगर यही तो है सोल कॉन्शियसनेस में कि मैं आत्मा ये रोल प्ले कर रही हूँ, मैं मदर हूँ तो देह का धर्म है, इस तरह की फीलिंग रोल है। तो आत्मा की क्वालिटीज वो रोल में जाए, नहीं तो रोल की क्वालिटीज आत्मा में जाती है। जैसे वो एक्टर होता है, वही एक्टर, दो एक्टर है, दोनों को एक कुली का रोल दिया जाए तो दोनों के रोल प्ले सेम, कुली का रोल है, सेम डायलॉग्स है, लेकिन उनके प्ले करने में अंतर होगा डिपेंडिंग अपॉन द उसके पर्सनालिटी पर। इस तरह से ये फील करना है। तो मैं स्वस्थिति में स्थित रहने वाली विजयी आत्मा हूँ, ये फीलिंग। स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा संकल्प, संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अच्छा, मातेश्वरी के पैराग्राफ है एक मम्मा का, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है, इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। ये ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते जब बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करे तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि इतने वेद शास्त्र पढ़ के भी वो ज्ञान नहीं मिला,
बहुत पढ़ा शास्त्र, हमने योग वशिष्ठ कितनी बार पढ़ लिया, उसके इतने मोटे मोटे किताब है वो, मेडिकल की तरह। हाँ, आत्मा रज्जु सर्प ब्रह्म, इतनी आत्मा का ही है फोकस। लेकिन स्वभाव आत्मा के गुण नहीं आए, आत्मा है ये जानकारी आई, लेकिन आत्मा के गुण भी तो आए ना, वो नहीं, वो है ही नहीं। हाँ वो भी है, नहीं नहीं है ही नहीं। आत्मा सत चित चेत आनंद, बस सत चित आनंद, ये आत्मा है। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये नहीं। तो कई सारे क्वेश्चंस होते थे, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ उसमें, तो पढ़कर भी चेंज नहीं हुआ, इतने हट क्रिया की तब भी चेंज नहीं हुआ। शरीर चेंज हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, मन फ्लेक्सिबल हुआ नहीं। तो इसमें न कोई हट क्रिया है, न जब तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना है, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो मम्मा ने कहा कि ये ज्ञान बड़ा सहज और सरल क्यों है, बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। बेस्ट टीचर का मतलब क्या है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को उसको एकदम सहज करके बता दे, उसको कहेंगे ना अरे कौन सी टीचर के क्लास में भीड़ होती है, इतने डिफिकल्ट थियरियम्स है, लेकिन वो द वे वो एक्सप्लेन करता है। तो कितने सिंपल वे से बाबा ने बता दिया, पॉइंट ऑफ लाइट, मणि ना, मस्तक मणि आदि आदि बातों से। तो इससे तो एक तो पवित्र बनते हैं, भल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो सिर्फ, तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे तो एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। सिर्फ योग करते जाओ, चलो ज्ञान नहीं सुनो, योग करो तो भी विकर्म तो विनाश होंगे। परमात्मा का कार्य तो वो करेगा, अग्नि में आप जाने अनजाने में रख दो, जलेगा तो सही, भले भल वो अपने साकार ब्रह्मातन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के महावाक्य।